नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंजो में बिगिनर्स है और शुरुआती दौर में आपको गाने निकलने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ चार बटनों से किस तरह आप बहुत सारे गाने निकाल सकते हो ये यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए आपके अगर बैंजो का सेटिंग इस तरह का हो, यानी पाँचवें नंबर पर आपका सा आ रहा हो जहाँ पे सारे गम सभी शुद्ध स्वर नीचे आते हैं, ठीक है ना, इस स्केल से आपका कम से कम 30-35 अलंकारों का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसी के साथ माइनर स्केल, माइनर स्केल यानी ये वाला सा रे ग कोमल म प ध कोमल नी कोमल और सा, इस स्केल से भी आपको कम से कम 30-35 अलंकारों की प्रैक्टिस पहले कर लेनी चाहिए, फिर जाके आपको ये सा से बहुत सारे गाने मिलेंगे। उसी के साथ ये ग कोमल से बहुत सारे गाने मिलेंगे, उसी के साथ ये ग से बहुत सारे गाने मिलेंगे और उसी के साथ ये प से बहुत सारे गाने मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने स्टिकर लगा के रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। और इसी के साथ ये प से गाने निकलते हैं तो ओपन वाला प, यानी ये मंद्र सप्तक का प, जो यहाँ बटन है नहीं, जो स्वर ओपन बजता है, इस ओपन स्वर से भी बहुत सारे गाने निकलते हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, देखिए शुरुआत कहां से हुई, ओपन के स्वर से, तो इस तरह ओपन के स्वर से भी आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। और एक गाना दिखाते हैं, ये भी ओपन से शुरुआत हुआ, ओपन से, इस तरह ओपन के स्वर से आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। अगर आपका सा पांचवें नंबर पर हो तो, अगर आपके बैंजो में सातवें नंबर पर सा आता है तो ओपन का स्वर की जगह पे वहां पे बटन होगा, उसे पकड़कर आपको गाने बजाने पड़ेंगे। अब देखेंगे सा से किस तरह गाने निकलते हैं। पहला स्वर स पे आएगा, देखिए, ठीक है ना, स से शुरुआत हुई, गाना आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसकी शुरुआत सा से होती है, देखिए, सा से शुरुआत हुई, इसी तरह आपको ग कोमल से भी बहुत सारे गाने मिलेंगे, लेकिन जो माइनर स्केल के होंगे वही गाने ग कोमल से निकलते हैं, इसलिए आपको माइनर स्केल पे आरोह अवरोह की और अलंकारों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस स्केल पे आपके 30-35 अलंकार पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जितने भी माइनर स्केल के गाने हैं आपको उनमें से बहुत सारे गाने ग कोमल से मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, शुरुआत ग से, ग कोमल से हुई, तो आप देखेंगे ग से शुरुआत होने वाले गाने, ग से भी बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, जैसे ये, शुरुआत ग से हुई, और दूसरा ये देखेंगे ग से, देखिए, ठीक
उसी तरह देखिए प से भी आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे, जैसे ये गाना है, प से शुरुआत हुई, उसी तरह और एक गाना आपको दिखाते हैं जिसकी प से शुरुआत होती है, बहुत ही फेमस है। तो ये सा ग कोमल ग और प, इससे आप बहुत सारे गाने निकाल सकते हो। उसी के साथ जो मंद्र सप्तक का प है, जो कि इस बैंजो में ओपन का सुर है, उससे भी आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। इसके अलावा ये तार सप्तक का सा, उसी के साथ ये कोमल नी, फिर ये ध म रे, ठीक है ना, उसी के साथ ये मंद्र सप्तक का नी, मंद्र सप्तक का नी कोमल, ध, इन सुरों से भी आपको थोड़े बहुत गाने मिल सकते हैं। लेकिन पहले इन बटनों से आप ट्राई कीजिए। और दोस्तों ये जो चार बटनों की ट्रिक है, ये आप कीबोर्ड पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई आप पर्टिकुलर स्केल पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो, जैसे कि ये काली एक हो या काली चार हो, अगर कीबोर्ड पर आपको हर स्केल से और ओरिजिनल स्केल से गाने निकालने हैं तो आपको सभी स्केल सीखना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, गाने निकालिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।